दोस्तों मुझे बताओ मुझे क्या हो गया, मेरे को प्लीज हेल्प करो। ये चीज मुझे क्या हो गई है कि मेरा कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी। इट्स अ फेज। दिस टू शैल पास, द कॉफी विल कम बैक। है ना? हाँ। यार आई वांट माय कॉफी बैक। मैंने अपने लिए कल कॉफी बनाई थी, दो सिप ली है, फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैंने चाय बनवाई और चाय पी है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह की योगा मेरी हो गई है, योगा खत्म करके मैं तैयार हो चुकी हूँ। पीछे अविनाश बैठा है जो कि वर्कआउट करके अपने आया है और अभी प्रोटीन शेक पी रहा है। आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ी देर बाहर जाएंगे, थोड़ी देर अपना मी टाइम लेंगे हम दोनों और साथ में करेंगे मी टाइम। वापस आएंगे क्योंकि मुझे आज बिल्ली की मम्मी लेने जाना है वापस, तो मम्मी अपने बच्चों से मिल लेगी। वो बाप जो है, जो नहीं रहा, वो बाप भी आएगा बच्चों के पास और बाप सोचेगा कि कुछ तो अलग दिख रहा है मुझे जिंदगी में। जितनी भी औरतें हैं वो मुझे मेरी बहनें क्यों लग रही हैं? बाप लगने वाला है। बाप कहेगा ये जितनी भी बिल्लियां हैं ये अचानक से मुझे मेरी बहन क्यों लग रही हैं? उसको पता नहीं क्यों उसका पिकाचू हो चुका है। तो पिकाचू और पिंकी को हम लोग लेने जा रहे हैं। मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये रहा अविनाश। चुप हो काफी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। थक गए हो? चलो ये आएगा एनर्जी में वापस, मैं आपको मिलती हूँ। चिट्टी पुट्टी और कुटी लाल कुत्ता। ये क्या है हाथ में? बिल्ली का खाना नीचे दे रहा ना गार्ड को। हाँ गार्ड को देके रखती हूँ, तो मेरे ख्याल पैकेट्स वगैरह दे देते। वेजिटेरियन हो गई? नहीं, एग खा रही हूँ आज इतने टाइम के बाद, 15 दिन हो गए यार अंडा नहीं खाया। वेजिटेरियन हो गई तो मतलब क्या, मैं अंडा ही तो खाती थी। तो जी हम लोग लेने जा रहे हैं, ये रही सलोना। हाय सलोना। तो सलोना यहाँ पे रही, हम लोग लेने चले बिल्लियों को और बिल्लियों को लेने के बाद उनको ड्रॉप करेंगे। सलोना मैं एक बात बताऊँ, वो जो बिल्ली की बेटी है ना, एक बेटा एक बेटी है शायद, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, उनमें से एक की टांग खराब हुई है, बहुत ज्यादा लंगड़ा रही है व्हाइट वाली बिल्ली ना, छोटी सी। आई डोंट नो अभी क्या कर रहे हैं उसका। वी कैन टेक इट टू दिस वेट और स्वाली हो एनी वेट। ओके, अच्छा तुम ये लेके आई हो? ओ वो थोड़ी देते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक में एक बिल्ली है, दूसरे दूसरी बिल्ली। बीच में अगर तुम्हें बैग की जरूरत पड़ गई तो? बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी बेबी, देख लो मैं कहीं अटक गया, टाइम लग गया, कुछ भी हो सकता है, नहीं पड़ेगी। तुम आ जाना घर पे, बैग लेके आना लेकिन ऊपर। तो ये सब तुम लेके जा रहे हो, मतलब एक ही बार में दोनों बिल्ली आ जाएंगी ना? दोनों। चलो दोस्तों बिल्लियों के साथ मिलते हैं, आज माँ बच्चों का मिलन आफ्टर 3-4 डेज होगा। सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू न्यूटर कैट्स? बहुत लोगों को ये लगता है ना कि क्यों कराना चाहिए, ये रीजन है। तो जी हमारी दोनों कैट्स यहाँ पे आ गई हैं और हम लोगों को मालूम पड़ा है कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, दोनों की दोनों एक्चुअली, पिकाचू भी और पिंकी दोनों अग्रेसिव थे, इसलिए इनको निकालने में भी टाइम लगा है। यहाँ अंदर तो वीडियो अलाउड भी नहीं होता, मैंने बनाया भी नहीं, बट अभी इनको लेके जा रहे हैं बच्चे, दोनों मदर से मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। हाँ तो मैं आप लोगों को कुछ और भी बता रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज ऐसे किए कि यू नो शेम ऑन यू, आपने न्यूटर करा दिया उनको और ये करा दिया। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज की प्लीज पता करो, बिकॉज कई लोगों ने मुझे ये लिखा कि अब आपने बहुत गलत किया। ये उनके लिए कितना जरूरी है, सिर्फ आप उन लोगों को पूछो ये जो ये काम करवाते हैं, जो कैट्स के लिए इतना कुछ करते हैं, प्लीज आस्क देम। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे ही उल्टे सीधे कमेंट्स करने का क्या मतलब है कि अरे ऐसा कर दिया, न्यूटर करा दिया, बच्चों को माँ से अलग कर दिया। माँ वापस जा रही है भाई बच्चों के पास और उनको न्यूटर कराना बहुत जरूरी है। सोचो अगर इन बच्चों का जब ये पैदा होते हैं और इनको जब खाना पीना नहीं मिलता और ये मर जाते हैं, उससे बहुत बेटर है कि इनकी लाइफ के लिए अच्छा है ना। सलोना यू वांट टू से समथिंग, इनकी लाइफ के लिए कितना अच्छा है ये कराना, प्लीज बताओ जरा। आई अंडरस्टैंड पीपल से दिस इज नेचर्स वे, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन सिटीज। जितना मेरा भी लिमिटेड नॉलेज, आई एम नॉट एन एनजीओ वर्कर एट ऑल, बट व्हेन देयर इज अ सिटी एनवायरनमेंट व्हेयर देयर इज अ ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, आप देखो आपके बिल्डिंग के बाहर, आर यू एबल टू फीड लाइक थाउजेंड्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स? यू कांट। यू थिंक कोई कर लेगा? फीड तक भी ठीक है, लेकिन जब आप इनको, आपको पता लगता है यार इनके बच्चे मर गए, गाड़ियों के नीचे आके मर गए, उनको खाना नहीं मिला या उनको आपस में मार देते हैं ये लोग, हिट ईच अदर, प्लस गाड़ियों के नीचे इज वेरी कॉमन, सो मच डिजीज, सो जो है उनको ठीक से रख पाएंगे ना, देयर आर मेनी है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कभी कभी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन, लुक एट द डॉग्स अराउंड यू, बीएमसी इज स्टेरिलाइजिंग डॉग्स इन सो मेनी इयर्स, अभी भी पपीज पैदा होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, द वंस दैट आर बॉर्न विल बी हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो, सिटीज हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड, तो ये आपको करना ही है और ये उनके बेटरमेंट के लिए है। आप लोग बता दो जिन्होंने मुझे बड़े उल्टे सीधे मैसेजेस किए हैं उनको मैं बता दूं, उन्हीं लोगों के लिए, बाकी तो मोस्टली लोग अवेयर हैं इस चीज के लिए, क्योंकि कैट्स को न्यूटर कराना बहुत जरूरी होता है उनकी अच्छी लाइफ के लिए और उनके बेबीज की लाइफ खराब नहीं हो उसके लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहले बच्चों की मम्मी को निकालते हैं। आ जाओ बच्चों, तुम्हारी मम्मी आ गई, आ जाओ बच्चों।
कहाँ गए? हाँ बच्चे नहीं दिख रहे यार, बच्चे अभी तो मैं सुबह खाना देके गई हूँ इनको। बाय द वे वो दिखे कि नहीं दिखे, ये देखो ये आ गई है, बच्चे दिए थे इसने, बच्चे दे दिए हैं, ये देखो आइए खाना मांग रही है, ये देखो अभी इसका पेट कितना अंदर चला गया, ये खाना खा के मैंने इसको देखा कि यहाँ से ना कूद के और अपने घर में छुप गई, तो वहाँ पे बच्चे दिया, एक दिया दो दिए तीन दिए मुझे मालूम नहीं है। देखो कितनी भूखी है, ये देखो एक बार में कितना खा रही है। मैंने कल शाम को दिया इसको खाना, कल खूब खाया इसने खाना। बच्चा आ गया बोला दोनों इधर है, किधर है, किधर है? अच्छा बच्चा, मम्मा आपकी मम्मा, ये रहे बच्चे और ये रही इनकी माँ। चलो 1 2 3 जाओ 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 मम्मी। ये देखो इसके बच्चे को चोट भी लग गई है, और मैं यही बोल रही हूँ आपको, आपको मैं यही बोल रही हूँ, देखो कितना जरूरी है। अब ये बच्चा अगर सफर कर रहा है और अगर हम लोग नहीं है यहाँ पे तो कौन देखेगा, कौन, इनके इनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है यार। एनीवे ये देखो इसको चोट लगी हुई है, बाप तो भाई बन गया ना एकदम, भाई जैसा व्यवहार होगा इसका, इसको निकाल देते हैं। तो जी अब बारी है बाप की। हेलो पिकाचू, हेलो पिकाचू, यू फाइन? आजा खाना दो, देखो अगर खाता है तो अमिता बना रही है दाल। अमिता ये निकाल रही है ना? हाँ आ रही हूँ चुंचा। हाँ 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 अरे भाई आ रही हूँ, यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी और मैं पहले पीऊंगी चाय बच्चों के साथ बैठ के। भैया कहाँ हैं? भैया नहीं है, आया ही नहीं भैया। भैया ने तो मेरे को फोन किया था, रुको। मेरा भूला हाथी। हाँ बनाते, चल तेरी भी अपॉइंटमेंट लूँ मैं, चल तेरा हेयर कट कराऊ, ले लो अपॉइंटमेंट। चल। हाँ बीबी, बिल्ली आ गई वापस। आ गई? हाँ। बच्चों से मिली अपने? अभी तो छुप गई आके, तो थोड़ा टाइम लेगी बाहर आने में, बच्चों के पास ही छोड़ा था लेकिन गई नहीं, थोड़ा भी छुप गई है, डरते हैं ना, 3-4 दिन अंदर थे वो, और दोनों सो रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव कैट्स हैं। हाँ उन्होंने रेड मार्क किया हुआ था उनपे, कटखन्ने दोनों के दोनों। तो ये हमारी बिल्डिंग में आने वाले थे रेड क्रॉस, वो देखो ना तुम्हारी रेड क्रॉस, वो देखो। यहाँ पे बना रही हूँ छाछ, आप लोगों को जाननी थी कि मैं छाछ कैसे बनाती हूँ, आप लोग पूछ भी रहे थे तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ खास नहीं कर रही। इधर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है दही में, थोड़ा सा जीरा डाल रहा है क्योंकि आज मेरे पास पुदीना है, तो मैं पुदीना भी डाल दे रही हूँ जो कि मुझे अमिता तोड़ के दे रही है। चलो थोड़ा सा ये ठंडक पहुंचाएगा पुदीना, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो इतना बन गया है, अभी इसको मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है, ठीक है? तो अभी जितना भी हमने इसमें माल मसाला डाला है वो डाल देंगे इसके अंदर, जग के अंदर। अब इसमें पानी और थोड़ा सा डाल के और इसको भी मिला लेंगे, ठीक है? पतला कर सकते हैं और डाल देंगे हम अभी इसको एक दो बार अच्छी तरह से। जी हमारी छाछ तैयार, तो बस इसमें डालना है हमको थोड़ा सा, ये डाल लेंगे हम लोग आइस इसमें। यार आप सब लोग तो जानते हो छाछ बनाना, फिर भी मुझे कौन पूछ रहा है कि आप जाओ, मेरे को लगता है मैं मजाक बनाते हो पूछ के। ये देखो तो ये इसके ऊपर हम लोग ऐसे कर देंगे, अच्छा ही लगता है जीरा डालना, इसको ऐसे रख देंगे एंड वी आर डन। हमारी छाछ तैयार, और आज क्योंकि छाछ डिफरेंट बनी है तो हम पूछ भी लेंगे अब मेरे बेबी से कैसी बनी है। बेबी हाथ आओ तो। अच्छा मेरे को लगा दिखाने आई हो। दिखाने नहीं आई, पिलाने भी आई हूँ। तो बिना लंच के छाछ कैसे पी ले भाई? पी लो थोड़ा सा। अरे यार फिर तो भूख ही नहीं लगी। थोड़ा सा पी लो तो। लैपटॉप पे ना गिरा देना। ओहो आज पता है कौन सी छाछ है ये? कौन सी? पुदीने की छाछ। वाह मजा ही आ गया यार, ऐसा लग रहा है दिल्ली की गर्मी में मैं सड़क पे चल रहा था और कोई छाछ वाला मिल गया। मैं छाछ वाली हूँ? नहीं दिल्ली की छाछ का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो हो सके तो आप लोग कोशिश करके इसमें पुदीना भी डाल लो, मेरे पास लास्ट टाइम था नहीं इसलिए मैंने दिखाई भी नहीं, आज पुदीना है तो मैंने आपको डाल के बता दिया। प्लीज थोड़ा सा छाछ वास पियो, अच्छा रहता है सेहत के लिए। ये दूसरा दे। चीयर्स। इतना कौन तंग करता है? पागल हुई पड़ी है। नहीं मम्मा तंग नहीं करना, मम्मा को तंग नहीं करना, पागल हुई है अपने बाप की तरह। छोटे छोटे बेबीज के लिए देखो क्या आया है। ओह माय गॉड। ओके कम ऑन लेट्स गो।
Let's do it. कहाँ है मेरी बेबीज के डब्बे? All right. Okay. Come on. Oh wow. जा पहले ना पहले हम कैंडी मामा को दे देंगे. अरे कैंडी मामा चल आप खा लो यहाँ से. मैं चारू मामा को दे देती हूँ. रुक दबाउनी है. चारू मामा. Oh my god. अरे भाई सब एक दूसरे का ले रहे. चलो मजे करो. खाओ तो नचो. खाने दे खाने दे. बिजी रह रहे थे. तो जी आज शाम का बेस्ट सीन आपको दिखा देती हूँ. मैं अपनी बिल्डिंग में हूँ. नीचे दोनों बच्चियाँ खाना खा रही हैं अभी. और ये रही इनकी मम्मी. फाइनली दिख गई. जाओ खाना खा लो खाना खा लो. ठीक है फाइनली ये वापस आ गई अपने बच्चों के पास. जिन जिन लोगों को कंप्लेन थी माँ से अलग कर दिया बच्चों को. ये रही माँ और ये रहे बच्चे खाना खाते हुए. क्यों मेरे पीछे पीछे भाग रही है? कहा हो गया कहा हो गया. आप अपने कान कटवा के आ गए. इधर आ जाओ आ जाओ. खाना दूँ? खाना चाहिए? अच्छा मैं देती हूँ. रुक. तो जी ये मम्मी खाना खा रही. बच्चों की मम्मी खाना खा रही है. भूखी लगी थी मम्मी. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मॉर्निंग में मैंने योगा किया. अभी शाम को आधा घंटा मैं वर्कआउट करके आ रही हूँ. मतलब वॉक करके आ रही हूँ. और इतना बढ़िया लग रहा है ना. दो मैं स्लो चली हूँ धीरे चली हूँ लेकिन मैंने वॉक की है. सो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने एटलीस्ट कुछ करने की कोशिश की है. जो मुझे मना है वॉक करनी मुझे मना है लेकिन मैं करूँगी. कुछ नहीं कर सकते हम. कहा करें हमें कन्या है भाई. हमें कन्या है. हम कहा करें. आ जाओ मामा के पास. आ जाओ मम्मा की चिड़िया. आज पापा किधर है. खाना खा लिया है लेकिन मैं चाह रहा था रात में भी छाछ मिल जाए क्योंकि छाछ पी के रात को नींद आनी चाहिए. मुझे दोपहर में दिला दी. मैं ऐसा झूल रहा हूँ ना एकदम शराबी की तरह सुबह से. रात में छाछ क्यों नहीं पिलाई है? रात को छाछ नहीं पीते. रात को तो नींद आती है. छाछ अगर पीते भी है तो दही नहीं है घर पे. तो ये पहले बतानी चाहिए थी ना बात. दोनों ये नई थ्योरी कहाँ गूगल से निकाल के ला रही है. दोनों ही चीजें हैं. ना छाछ पीनी चाहिए ना दही है. दोनों. और अगर दही होती तो भी नहीं पीनी चाहिए. अब तो हम मुखरोगी कैसे? अब झूठ जो बोल दिया है अब पीठ कैसे दिखाई जाए? दिन में ना पी के मैं ही लेट गई. मैं खुद ही लेट गई थी. जब से मैंने पिया ना तभी से मुझे अपना काम शुरू करना था जो अभी तक नहीं हो पाया. हाँ यार मैं भी एकदम स्लो हो गई छाछ पी के. लेकिन अब क्यों हुई स्लो? तुम छाछ क्यों पिला दे रही हो मेरे को? लाके मेरे मुंह में डाल दे रही हो सीधा. अच्छा लग रहा है मेरे को. ताकि बाहर ना जा पाए कुछ. कल भी हमारे नेबर्स ने हमें इन्वाइट किया हुआ है ओवर डोसा एंड छाछ. अरे यार तो सुबह सुबह पिला देंगे. होए होए यार छाछ पी के बिल्कुल काम नहीं हो रहा. दोस्तों मुझे बताओ मुझे क्या हो गया. मेरे को प्लीज हेल्प करो. ये चीज मुझे क्या हो गई है कि मेरा कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी. कहाँ पीते हुए देखा तुमने मेरे को? इट्स अ फेज. This too shall pass. The coffee will come back. है ना? हाँ. यार, I want my coffee back. I don't know. एक तुमने तो बोला था मैं छोड़ रही हूँ. मतलब एक तो होता छोड़ रही हूँ. एक होता दिल्ली नहीं कर रहा छोड़ने के बाद. मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया. अब मेरा दिल्ली नहीं कर रहा. ये पैटर्न है. पिछली बार भी यही हुआ था. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा. पता नहीं कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा. एक दिन देखा एक बाल्टी कॉफी एक साथ पी गई सीधा. बेटा यहाँ बाल्टी रख देना बाहर. दीदी किसी भी दिन उठ के एक बाल्टी कॉफी मांग सकती है. मैंने क्योंकि अंदर जमा हो रहा है. मैंने अपने लिए कल कॉफी बनाई थी. दो सिप ली है फिर मैंने छोड़ दी. फिर मैंने चाय बनवाई और चाय पी है. कॉफी की अड़चन है वो अंदर जमा हो रही है. वो एक ही दिन ड्रम आएगा घर में किराए पे. वो ड्रम में कॉफी भर जाएगी और पेट में उड़ेल दी जाएगी. मैं जा रहा हूँ सोने. आपको आना है तो आ जाइए. मैं जा रही हूँ सोने. नहीं और मेरे सोने के बाद कोई भी चिल्लपो हुआ. पंखा चल रहा है लाइट बंद हो रही है एसी बंद हो रहा है. यार एसी हाँ. तुम्हें ठीक हो जाता तो बंद कर देती हो और मैं पसीने में लबालब रहता हूँ. मैंने कभी नहीं बोला. एसी का रिमोट आज से मेरे पास रहेगा. एसी का रिमोट रखो लेकिन तुम्हें बंद करना नहीं आता. नहीं तो बंद करना ही नहीं. एसी रात भर चलेगा. गर्मी बहुत ज्यादा है. चला लो भाई. ये तुमने क्या पहन रखा है नीचे जिसकी चड्डी के अंदर भी चड्डी दिख रही है बैठने पे. वो चड्डी का क्या फायदा? क्या ही फायदा इसका? अश्लीलता फैलाता है. अश्लीलता फैलाता है.